यो रेडियो कश्मीर जम्मू है, मोहम्मद अकरम चौधरी ते खबर सुनो। जम्मू कश्मीर मा 3 जुलाई ते सदर राजमा अगला 6 महीना वास्ते तवसीकरण बारे करारदात ना लोकसभा ने मंजूरी दे दी है। इसे तरह जम्मू कश्मीर तकसास तरमीमी बिल 2019 ना भी लोकसभा ने मंजूर कर दितो है। वजीर दाखला अमित शाह ने कहो जे जमहूरियत ना बहाल करनो, दहशतगर्दी को खात्मो, तरजीह बुनियादा वर्की हो जाएगो, इस साल का आखिर तक असेंबली चुनाव कराने की तैयारी जारी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी G20 आला इजलास के अलावा अमरीका, जनूबी कोरिया ते सऊदी अरब का लीडरान ना दो तरफा गलबात की है। सऊदी अरब ने भारत को आरिफीन हज कोटो 3,000 बदा गए 2,00,000 कर दितो है। ते महकमा सैर सफा ने सियाहत का वादा वास्ते खुला छत अली बस जम्मू दर्शन का हिस्सा का तौर पर आज शुरू की। खबरों की तफसील नाल पहला अब्दुल मजीद। लोकसभा ने जम्मू कश्मीर में सदर राज ना अगला महीना की 3 तारीख ते तोसीकरण बारे करारदात ना मंजूरी दे दी है। इसी तरह लोकसभा ने जम्मू कश्मीर तकसास तरमीमी बिल 2019 भी मंजूर कर दिता है। इससे पहले वजीर दाखला अमित शाह ने रियासत जम्मू कश्मीर में 3 जुलाई 2019 ते अगला 6 महीना तक सदर राज की तोसी बारे करारदात आज लोकसभा में पेश की। अमित शाह ने कहो जे इस साल का आखिर में असेंबली चुनाव की तैयारी जारी है ते मरकज रियासत में जमहूरी हकूमत को वादाबंद है। वजीर दाखला ने रियासत जम्मू कश्मीर में तरक्याती प्रोग्राम बारे इकदाम की जानकारी देता हुआ कहो जे जम्मू ते लद्दाख नाल ताल्लुक रखने वाला बकाया मसला हल किया जा रहा है। उन्होंने कहो जे 15,000 बंकर रियासत में बनाए जा रहे हैं। वजीर दाखला ने जम्मू कश्मीर तकसास बारे तरमीमी बिल 2019 भी लोकसभा में नजरसानी ते मंजूरी वास्ते पेश कियो ते हुण इस बिल ना लोकसभा में मंजूरी मिलन के बाद इदारा में तकसास ते जम्मू में बेनल कुमामी सरहद के नजदीक 10 किलोमीटर तक रहने वाला लोग सरकारी नौकरियों में तकसास का हकदार बेंगा। यो बिल इस बारे जारी ऑर्डिनेंस की जगह लेगो। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जापान का ओसाका में G20 आला इजलास के पहले त्याड़े दुनिया का मनने वाले लीडर नाल दो तरफा मीटिंग की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जापान का हमनसब ते अमरीकी सदर नाल सैफरी की गलबात भी की। वजीर आजम मोदी ने सदर ट्रंप ने आला इजलास के अलावा दो तरफा ते आलमी मसाइल पर भी तबादले ख्याल कियो। सदर ट्रंप ने वजीर आजम मोदी ना चुनाव में उनकी जीत पर मुबारकबाद दी ते कहो जे दोए मुल्क मिलिट्री समेत दूजा के मैदाना में मिल के कम करेगा। खाजा सैक्रेटरी विजय गोखले ने जराए इबलाक नाल गल करता हुआ कहो जे मीटिंग में अमन इस्तेहकाम बुनियादी ढांचा की तरक्की ते हिंद बहर अलकाहल खिता में नवा कदम चाण पर जोर दितो गयो। खाजा सैक्रेटरी ने कहो है जे दो लीडरां की गलबात के दौरान भारत को रूस ते S-400 मिसाइल दिफाई निजाम खरीदनो जेर बहस नहीं आयो। गोखले ने कहो जे सदर ट्रंप ने उम्मीद दसी है जे तेल की कीमत मुस्तहकम रहेंगी। मोदी ने निशानदेही की है जे भारत में खासी तादाद में तेल का सार्फीन है ते दोआ मुल्का ना मिल गए कम करने की जरूरत है। भारत ते दूजा ब्रिक्स मुल्का ने तमाम मुल्का ना क्यों है जे वे दहशतगर्दी का मजबूत सिलसिला ना माली इमदाद देन ते दहशतगर्द कार्रवाई ते परहेज करें। जैसो कि उनने दहशतगर्दी ते गैर कानूनी माली गर्दश के खिलाफ लड़न को तहियो कियो है। G20 आला इजलास के अलावा मीटिंग के बाद एक साझा बयान में ब्रिक्स मुल्कों का लीडर ने दहशतगर्दी का मकसद वास्ते इंटरनेट का इस्तेहसाल के खिलाफ अपना वादा ना दोहरायो। किसी मुलक गो नालियां बगैर 5 लीडर जिनमें वजीर आजम नरेंद्र मोदी ते चीनी सदर जी जिनपिंग शामिल था ने दोहरायो जे या तमाम मुल्कों की जिम्मेदारी है जे वे अपना मुल्क ते दहशतगर्द कार्रवाई ते उन्ना माली इमदाद ते गुरेज करें। भारत ने दहशतगर्दों की तरफ समाजी राबता को इस्तेमाल करने पर फिक्रमंदी को इजहार की हो है। देखियो है जे ऑनलाइन नफरत अमेज तकरीरां का मसला नाल कसीर लमाए फिकर का लोकां ना निमणनो वेगो। जनरल असेंबली की गैर रस्मी मुलाकात के बाद अकवाम मुतहदा में हिंदुस्तान का नायब मुस्तकिल नुमाइंदा के नागराज नायडू ने कहो जे हिंदुस्तान टेक्नोलॉजी के जरिए दुनिया ना जोड़नो चाहे। उन्होंने कहो जे दहशतगर्द खुलेआम या फिर छप गए नौजवानों ना समाजी राबता के जरिए बरगला रहा है। उन्होंने टेक्नोलॉजी कंपनियां वर आला मियार का कायदों की पाबंद रहने पर जोर पायो।
સૌદી અરબને એક અહેમ કદમ ચાગે ભારતી હજ કોટાના બદાગે 1,70,000 તું 2,00,000 કર દેતો હે ઇસ નાલ હુણ મજીદ 30,000 હુજા જિક્રામ હર સાલ હજ વર જા સકેંગા વાઝરે જે હજ કોટા પર ભારતી વઝીર આઝમ તે સૌદી અરબ કા શહેઝાદા જનાબ મોહમ્મદ બિન કાસિમ કે દરમિયાન જાપાન કા ઉસાકા મધુ તરફા ગલબાત કે દૌરાન યો ફેસલો લ્યો ગયો થો જાપાનમાં હોર્યા આલા ઇજલાસ તું બાદ ઝરાય ઇબલાક ના ખિતાબ કરતા માં ખારજા સેક્રેટરી વિજય ગોખલે ને કહ્યો જે સૌદી અરબ કા તાજ શહેઝાદા ને જનાબ વઝીર આઝમ ના વાદો કયો થો જે વે ભારતી હજ કોટા ના બદાગે 1,70,000 તું 2,00,000 કરેગા ખાજા સેક્રેટરી ને મજીદ કયો જે દોવા લીડર કે દરમિયાન સિયાહત ના બાદુ દેન કી ખાતર હવાઈ પરવાઝા કી જરૂરત હૈ ઇસ કે નાલ ઈ ઉનને દુબારા મિલન વાસ્તે ભી ઇતફાક કી હોય યાદ રહે જે ગુજસ્તા સાલ સૌદી અરબ ને 5,000 હજ કોટા તે 2017 માં 35,000 હજ કોટા ના બધાયો થો ખબરાં કા બાકી સ્માર નાલ અકરમ ચૌધરી જમ્મુમાં સેલસફા ના બાદોદેન કી ખાતર મહેકમા સેલસફા ને ખુલ્લા છત આલી ગડિયા ના આજ જમ્મુ દર્શન કા હિસ્સા કા તોરવર શરૂ કિયો હૈ મારા નમાઇંદા ચંદ્રકાંત શર્મા નાલ ગલ કરતા વા ડાક્ટર સેલસફા ઓ પી ભગત ને દસ્યો જે યા સર્વિસ સેહા યાત્રીયા તે દૂજા સેહાઈ તી મકામ વર જાણ આલા નામો કો દેગી ઇસ દૌરાન ઉન્હોંને કયો आज शाम को 6:30 जम्मू दर्शन एक ओपन रूट पर अमर पैलेस जम्मू से होके ये सीधा भाग जाएगी जिसमें डिपकाम साहब का इनॉग्रेशन करेंगे उसमें हम लोग भी होंगे कुछ रोडवे अफसर होंगे आरटीओ साहब होंगे ये बात स्पेसिफिकली ड्यूरिंग अमरनाथ जी यात्रा जो लोग यहाँ पर ठहरते हैं जम्मू में एक रात रुकते हैं तो उनके एंटरटेनमेंट के लिए ये बस जो है कला केंद्र जम्मू से शुरू होकर जाएगी इसके अलावा बॉर्डर टूरिज्म जम्मू से कटरा की तरफ गजरकोटी तक ये बस जाएगी जम्मू तक ये बस केवल अमरनाथ यात्रा के दौरान ही नहीं चलाई जाएगी बल्कि इसके अलावा وزیر اعظم نریندر مودی اتارے آل انڈیا ریڈیو ور من کی بات پروگرام ماں لوکاں نال اپنا خیالات سانجا کریں گا دوجی بار وزیر اعظم گو اودو سنبھالن کے بعد ان گو یو پہلو من کی بات پروگرام ہوئے گو وزیر اعظم اپنا مہانہ پروگرام کے دوران باک باک اہم مسئلہ چاہے گا یو پروگرام ہر مہینہ کا آخری اتارے سویرے 11 نشر ہوئے گو ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁੰਛ ਗਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਾ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾ ਦੂਜਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਤੇ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਲਾਈ ਵੀ ਹੈ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁੰਛ ਕਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾ ਜੰਗਬੰਦੀ ਕੇ ਖਿਲਾਫ ਵਰਜ਼ੀ ਕੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੀ ਤਰਫੋਂ ਕੀ ਜਾਨ ਆਲੀ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਕੋ ਸਾਹਮਣੋ ਕਰਨੋ ਪੈ ਉਨ ਕਾ ਬਚਾਓ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਲਕੀਰ ਕੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬੰਕਰ ਬਣਾਉਣ ਕੋ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਓ ਥੋ ਲੇਕਿਨ ਯੇ ਲੋਕ ਚਾਹਵੇਂ ਜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਉਨ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਨਾ ਚਾਹਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਉਨ ਨਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁੰਛ ਕਾ ਮਕਾਮੀ ਸੋਹਿਲ ਡਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ मेरा नाम सोहेल डार है मैं पूंछ का रहने वाला हूँ मन की बात जो है प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम हमने सुना है कि फिर से शुरू होने वाला हम यहाँ बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले लोग हमें बड़ी खुशी हुई कि मन की बात जो है फिर से वो प्रोग्राम शुरू होने वाला है तो हम यही चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी हर वो पॉइंट वहाँ पे उठाते हैं जो काफी लोगों की जरूरत होती है हम चाहते हैं हम बॉर्डर के रहने वाले लोग हैं हमारी भारत की बड़ी मुश्किलें हैं यहाँ पे लोगों की यहाँ पे बॉर्डर पे रहने वाले जो लोग हैं काफी अफेक्टेड होते हैं जो फायरिंग जो पाकिस्तान की तरफ से होती है तो जिसकी वजह से यहाँ पे बंकर्स का काम भी लगा था बट वो बड़ा काफी जो है वो स्लो चल रहा है काम भी काफी बंकर्स यहाँ पे अभी तक नहीं बने हैं तो हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बंकर्स बने सरहदी इलाका रजौरी का सरहद ना लगन आला ग्रां सीरिया ना आजादी तो बाद पहली बार सौभाग्य स्कीम के तहत बिजली कनेक्शन मिले आए 4,000 आबादी पर मुश्तमल इस ग्राम में पूरा जोश है ते खासकर बच्चा बल्ब की लो मां पड़ता नजर आ रहा है मकामी लोका ने कहो जे उन्ना इस तू पहला अपना फोन ना चार्ज करने वास्ते 50 किलोमीटर दूर जानो पै थो ते इस नाल वे सिर्फ मजबूरी माई इस्तेमाल करें था मारा रजौरी का नुमाइंदा नाल गल करता वा कुछ मकामी लोका ने इस तरह कहो मेरा नाम है जनाब अली हैदर तो मैं अनवस मंडार का रहने वाला हूँ हमें गवर्नमेंट का पहला तोहफा मिला है जो बिजली मिली है हमें तो हम गवर्नमेंट के बहुत शुक्र गुजार हैं हमारे बच्चे पढ़ेंगे बॉर्डर के पास रहते हैं इस गांव में पहले लाइट नहीं थी अब लाइट भी आ चुकी है हम इस सरकार का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें लाइट दी हमारे बच्चे पहले पढ़ नहीं सकते थे अब बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं हमारे बच्चे आगे जा रहे हैं जिला टोडा मावी बैक टू विलेज प्रोग्राम को कम जिला की 237 पंचायतों में पूरो हो गयो मारा जिला डोडा का नुमाइंदा ने डिप्टी कमिश्नर डोडा डॉक्टर सागर डॉयफोर्ड नाल गल की
उन्होंने क्यों आज जो इतना बड़ा एक सेलिब्रेशन ही इसका कहूंगा जिसकी वजह से जो है फोकस में ये स्पॉट आ जाएगा। मुझे लगता है कि बैक टू विलेजेस इसका पॉजिटिव आउटफॉल है इस चीज का। इलाके के बैकवर्डनेस को देखते हुए भी जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट फ्लो हम यहाँ पे बढ़ाए हैं ताकि जो है आसपास एम्प्लॉयमेंट की और सारी चीजों को बढ़ा। आप जानते हैं कि हमारी 237 पंचायत उसमें हर पंचायत का विजिट जो है वो आज गेजेटेड ऑफिसर्स का हमारा फाइनली कवर हो रहा है। तकरीबन 60-60 पंचायतें हमारी हर फेज में यहाँ पे इंक्लूड की गई थी। पर्सनली मैंने जो है तकरीबन 30-40 आसपास पंचायतें जो खुद कवर की है। कई हमारे ऑफिसर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स जो है वो भी अलग अलग पंचायतों में गए हैं। लोगों की मुश्किलातों का हल की खातिर आज गवर्नर का सलाहकार के सिकंदन ने कन्वेंशन सेंटर कनाल रोड जम्मू में जम्मू कश्मीर गवर्नर ग्रीवियन सेल के तहत एक दरबार लायो जित खासी तदाद में वफदा ते इंफरादी तौर पर आए लोगों की मुश्किलातां ना सुनियो गयो। सूबा जम्मू का बख बख इलाकां ते आया समाजी वफदां ते इंफरादी तौर वर मिलन आला लोका ने जनाब सलाहकार के सामने अपनी मुश्किलातां ना रखियो। जनाब सलाहकार ने निहायत ही गौर नाल तमाम की मुश्किलातां ना सुनियो ते कुछ मसलां को मौका वर ही हल करन वास्ते हिदायत की। सूबाई कमिश्नर जम्मू संजीव वर्मा, IGP जम्मू MK सिन्हा समेत दूजा सीनियर अफसरां ने अज अमरनाथ यात्रा की नकल व हरकत वास्ते कायम किया गया ट्रांजिट कैंपां को दौरा लायो ते रामबन जिला मां शैतानी नाला ते ले गए चंद्रकोट तक इन कैंपा मां इंतजामिया की तरफों यात्रा की सहूलियत वास्ते किया गया इंतजाम को जायजो लियो। कौमी शाहरा के नजदीक किया गया हिफाजती इंतजाम को भी इस दौरान जायजो लियो गयो ताजे अमरनाथ यात्रा 2019 मां आसान तरीका नाल कराई जा सके। लंगर आली जगह रहन सहन की जगह ते कंट्रोल रूम जेड़ा कौमी शाहरा के नेड़े कायम किया गया है वो भी मुआइनो कियो। इस गिनाली गोजी खबरों को आज को शुमारो मुक गयो।